लेकिन बॉस, बॉस आपने भाभी से ये क्यों कह दिया कि सीमा मेरी बीवी है? अब आप देखिए इसकी मैं क्या करता राहुल। एक दिन पहले शीला ने मुझ पर शक किया, मुझे धमकी दी और अचानक जब वो मेरे सामने आई तो मुझे कुछ सूझा ही नहीं राहुल। मेरे जहन में जो कुछ भी आया मैंने उसे कह दिया। गलती से मेरे मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया राहुल, अब मैं क्या करूं? देखिए बॉस, हाँ आपने जो ये कर दिया है उसकी वजह से जो देखो राहुल प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। देखो तुम जाकर सीमा को समझाओ राहुल, उसे समझाओ तुम, उसे कहो कि मुझे एक बार मिले बस फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा राहुल। बॉस मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बॉस मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ बॉस, लेकिन अब इसमें भाभी जी सीमा ये बॉस इस प्लीज इस झमेले से मुझे दूर रखिए बॉस प्लीज। प्लीज बॉस आप झमेला तुम नहीं कर सकते हो ना, मत करो। तुम सही कह रहे थे राहुल, मुझे शीला को जाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा राहुल? क्या हो जाएगा बॉस? ये रुतबा खत्म हो जाएगा ना बॉस। ये क्या कर रहे हैं? अरे बॉस हो जाने दो बॉस, क्या कर रहे हैं? और मिल जाएगा ये सब कुछ बॉस। ये कारोबार खत्म हो जाएगा ना, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी ना शांत। हाँ ये ऐश्वर्य खत्म हो जाएगी ना, और ये सारा ऑफिस खत्म हो जाएगा ना। हो जाने दो बॉस, अरे बॉस हो जाने दो, इसे खत्म हो जाने दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं कहीं का नहीं रहूंगा ना, मैं कहीं का नहीं रहूंगा ना। सब कुछ तोड़ दूंगा मैं, सब कुछ तोड़ दूंगा मैं राहुल। और तुम्हारा ये सपना तुम्हारा, ये एड एजेंसी, ये सपना जो हमने साथ में देखा था, जब सब कुछ खत्म हो रहा है तो इसे भी खत्म हो जाने दो प्लीज। इसकी क्या जरूरत है? बस मैं तोड़ दूंगा इसे, खत्म हो जाने दो। बस नहीं बस नहीं बस नहीं बस बस नहीं, हट जाओ राहुल, मैं इसे तोड़ दूंगा प्लीज। बस नहीं बस राहुल हट जाओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, हट जाओ तुम। नहीं बॉस नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा बॉस। बॉस प्लीज आप गुस्सा मत होइए बॉस, प्लीज ये छोड़ दीजिए बॉस, प्लीज छोड़ दीजिए। मैं हूं ना आपके साथ बॉस, मैं हूं ना। आप रिलैक्स कीजिए, आप यहाँ बैठिए बिल्कुल घबराइए मत बॉस, मैं हूं ना। मैं सीमा से बात करूंगा बॉस, मैं सीमा से बात करूंगा ना बॉस। आप गुस्सा मत होइए राहुल बॉस। कुछ पैसे चाहिए तुम्हें? बॉस पैसे नहीं चाहिए मुझे, आप ये रखिए प्लीज। मैं सीमा शुक्ला साहब, आप बॉस यू जस्ट रिलैक्स। हम खा पैसे ही राहुल। यस यस बॉस, थैंक यू वेरी मच। यस बॉस थैंक यू। इजी एक्सलेंट, टू गुड सर, टू गुड, मान गए आपको टेरिफ में। देखा ना आपने शुक्ला साहब, ये फॉर्मूला हमेशा काम आता है। इस दुनिया में अगर तुम सच धीरे से बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा, और अगर झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे तो सब मान जाते हैं। पॉइंट इज नोटेड सर। नहीं मिलना है मुझे, नहीं मिलना है, और तुमने भी मुझे धोखा दिया है राहुल। कितने पैसे दिए थे तुम्हारे सिद्धार्थ साहब ने तुम्हें चुप रहने के लिए? नहीं सीमा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो क्या है कि सिद्धार्थ साहब मत लो उनका नाम। सीमा एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुम यहाँ से चले जाओ राहुल, मैं कहती हूँ तुम चले जाओ। सीमा मैं चला जाऊंगा, बस मुझे कुछ नहीं सुन। ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं राहुल तुम्हें लग गया ना? नहीं ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं राहुल खून निकल रहा है, एक मिनट रुक जाओ। I'm sorry राहुल, I'm really sorry, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। I'm really sorry राहुल। सीमा मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। एक्चुअली तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। लेकिन राहुल मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? देखो बेहतर यही होगा कि तुम एक बार सिद्धार्थ साहब से मिल लो, इट बी नाइस। क्यों मिलूं मैं एक और झूठ सुनने के लिए?
देखो सीमा, जिंदगी की हर बात सिर्फ सच या झूठ नहीं होती। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं जो कभी कभी हमको ऐसी चीजें करने पर मजबूर कर देती जिससे किसी ना किसी को ठेस पहुंचती है। हम सब अधूरे हैं सीमा। देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम एक बार सिद्धार्थ साहब से मिलो, उनको अपनी बात समझाने का मौका दे दो बस। उसके बाद जो तुम्हारा दिल फैसला करे वही करना। मगर मेरी बात तो मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया सीमा। धोखा नहीं दिया? तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सीमा, सीमा अगर मैं तुम्हें बता देता कि मेरी शादी हो चुकी है तो क्या तुम उससे प्यार करती? करती नहीं, कभी नहीं। देखा, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि सीमा हाँ। मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता सीमा। नहीं सिद्धार्थ, तुमने मुझे गलत समझा है। मैं किसी और का घर तोड़कर अपना घर बसाऊंगी? कभी नहीं, ये गुनाह है, गुनाह। नहीं सीमा, नहीं, ये गुनाह नहीं है। तुम मेरे टूटे हुए घर को और क्या तोड़ोगी? हाँ, शीला से मेरी शादी एक बहुत बड़ी भूल थी, गलती थी मेरी, लेकिन अब बहुत ही जल्द मैं उसे तलाक देने वाला हूँ। हाँ सीमा, ये सच है। झूठ, एक और झूठ। देखो मेरी आंखों में, देखो इनमें, क्या तुम्हें इनमें सच्चाई नजर नहीं आ रही? बोलो सीमा। नहीं सिद्धार्थ। आओ मेरे साथ सीमा। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो सिद्धार्थ? सच्चाई जानना चाहती हो ना तुम? ये है सच्चाई। वो औरत नजर आ रही है, वो है शीला, मेरी बीवी। और वो आदमी नजर आ रहा है, वो जो सीना तान कर चल रहा है, वो है मेरी बीवी का आशिक। ये है मेरी शादीशुदा जिंदगी की असलियत। देखो देखो क्या क्या हो रहा है वहां पर। देखो सीमा, खुद अपनी आंखों से देखो। बस और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, मैं पागल हो जाऊंगा सीमा, मैं पागल हो जाऊंगा। सीमा सीमा चलो यहाँ से, प्लीज चलो यहाँ से। कौन है आप? क्या आप जॉली नहीं है? नहीं। Oh, I'm so sorry, sorry. Don't touch me. I'm extremely sorry, ma'am. Shut up. Very sorry, sorry, ma'am. बेवकूफ कहीं के। क्या जरा? You are right, sir. Hey. Okay. सीमा, अगर अब भी तुम मेरी शादी को शादी समझती हो और हमारे प्यार को एक गुनाह समझती हो तो ठीक है, जो भी तुम्हारा फैसला है मुझे मंजूर है, लेकिन मैं जिंदगी भर सिर्फ तुम्ही से प्यार करता रहूंगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सीमा, अब क्या उलझन है? सूजी वो शादीशुदा है, उसका घर टूट चुका है, तुमने अपनी आंखों से देखा है ना? फिर हाँ, मगर वो सीमा, सीमा वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें चाहता है, और वो तुमसे मांग ही क्या रहा है? बस सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत, ताकि वो अपनी बीवी को तलाक दे सके, बस। सीमा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे एक मौका और देती। हाँ भेज दिया ना, भेज दिया ना सीमा को बॉस के पास। अरे तू जानता था कि वो उसको समझा लेगा, अपनी बातों से पटा लेगा, लेकिन तेरे को शर्म नहीं आई? मेरे को बहुत शर्म आई, बहुत शर्म आई मेरे को। लेकिन तेरे को कैसे आती? तेरे को तो वो पैसा कमाना है, कमीशन चाहिए, अपना ऑफिस चाहिए, फिर माँ का ऑपरेशन भी कराना है ना। लेकिन उस सीमा का क्या, उस सीमा का क्या, क्या क्या सीमा का, हाँ सीमा का क्या, क्या सीमा का? अरे उसको भी तो बड़ा बनना था, पैसा कमाना था, वो मर्सिडीज गाड़ी चलाना था, तो मैं क्या करेगा, मैं क्या करूंगा इसमें? और देख भाई, मैं तेरे को भी बताता हूं कि तू भी चुपचाप कहता जा। यस बॉस, यस बॉस।
Yes, boss. मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सीमा जैसी एम्बिशियस लड़की ने राहुल के साथ कैसे शादी कर ली। हाँ, ताजुब तो मुझे भी हुआ, लेकिन लेकिन प्यार, डार्लिंग तुम तो जानती हो, प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है हमें उन्हें शादी का तोहफा देना चाहिए। ग्रेट, फैंटास्टिक आइडिया। डार्लिंग मैं काम करता हूँ कि मैं कल ही किसी के हाथ से उनके घर पर एक अच्छा सा तोहफा भिजवा देता हूँ, है ना? नहीं, हम खुद ही उनके घर चलेंगे और उन्हें तोहफा देंगे। उनके घर? हम? डार्लिंग, हम उनके घर जाएंगे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ठीक है, हम कल ही उनके घर चलेंगे। ठीक है। क्या सिद्धार्थ, नहीं प्लीज, ये क्या मजाक है? अब तुम्हारी बीवी को खुश करने के लिए हम दोनों को मियां बीवी का नाटक करना पड़ेगा? कम ऑन सीमा, समझने की कोशिश करो, सिर्फ एक दिन की तो बात है। सिद्धार्थ, बात एक दिन या दो दिन की नहीं है, एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ। सीमा, सीमा, यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। देखो सीमा, मैं अपनी बीवी से वादा कर चुका हूँ। आइडिया बॉस, आप शीला भाभी से ये क्यों नहीं कह देते कि हम दोनों हनीमून पर गए? राहुल, बैड आइडिया बॉस। सीमा, सीमा तुम क्या चाहती हो, कि मेरी बीवी हमेशा मुझ पर शक करती रहे? हाँ, मुझसे गलती हो गई मुझसे गलती, अब मैं क्या करूं, सूली पर चढ़ जाऊं, अपने आप को खोड़े मारूं मैं? यस बॉस। व्हाट? नो बॉस, मेरा मतलब यस कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉस, खोड़े लगे आपके दुश्मनों पर बॉस। आप बस ये बताइए कि हमें क्या करना होगा। देखो सीमा, सीमा तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, मैं और शीला तुम दोनों के घर पे डिनर पर आएंगे। डिनर बॉस? हाँ डिनर। Alright. और हम दोनों तुम दोनों को एक छोटा सा तोहफा देंगे। छोटा सा बॉस? राहुल, okay, as you wish. और तुम दोनों को एक सुखी परिवार का ड्रामा करना है, बस और कुछ नहीं करना है, समझ रही हो ना? एक्सक्यूज मी बॉस, एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है बॉस कि मेरा घर किसी भी एंगल से एक शादीशुदा जोड़े का घर नहीं लगता है, कुमारे का लगता है, you know, I'm single. तो राहुल जाओ, अपने घर को सजाओ। yes, जाओ बॉस, लेकिन एक शादीशुदा जोड़े का घर लगने के लिए एक डबल बेड तो होना चाहिए ना। राहुल, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अरे नहीं सीमा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको, और बॉस मैं तो कहता हूँ कि लगे हाथों सोफा, चादर, पर्दे और एक वॉशिंग मशीन भी ले ही डालू मैं। ठीक, जैसी आपकी मर्जी। एक मिनट, सीमा से अकेले मैं बात करना चाहता हूँ। सीमा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सब कुछ कहते हुए, लेकिन क्या करूं, हमारे भविष्य का सवाल है, सिर्फ दो घंटों की तो बात है सीमा, पहली और आखिरी बार प्लीज। राहुल। हाँ बॉस, यहीं पे। बॉस मैं सोच रहा था कि घर की पेंटिंग भी तुमको, तो रहने दीजिए, जाने दीजिए। क्या सीमा, तुम राहुल के साथ जाओ। राहुल जल्दी। यस बॉस। राहुल जल्दी। हाँ बॉस। शीला जी, अ रोज फॉर अ रोज। थैंक यू। कैसा लगा आपको मेरा घर? अच्छा है। थैंक यू। राहुल, मैं सिद्धार्थ से हमेशा कहती हूँ, तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़के हो, बचपन से ही। लेकिन तुम्हारी एक आदत मुझे पसंद नहीं है। क्या भाभी जी? तुम छुपाते बहुत हो। क्या मतलब? यही, तुमने शादी कर ली और हमें पता भी नहीं चला। अरे हमको भी कहाँ पता था। क्या? मेरा मतलब भाभी जी, ये सब इतना जल्दी में हुआ ना, ना शादी, ना बाराती, ना खैराती। काफी अच्छा सजाया तुमने अपना छोटा सा घर। और वो भी इतने कम टाइम में। मतलब? आपने ये देखा, ये पेंटिंग माधुरी दीक्षित बाय एम एफ हुसैन, सीमा ने नकल बनाई है। सीमा करती है ये सब? सीमा पेंटिंग भी करती है? हाँ, ये पूरा घर भी उसी ने पेंट किया है। पेंट किया है? फिर जोकिंग राहुल। कहाँ है तुम्हारी सीमा? अंदर तैयार हो रही है, मैं भी लेकर आता हूँ, आप इंतजार कीजिए। पेंटिंग देखिए। ओके। सीमा, मेरे कपड़े ठीक है ना? राहुल, मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है, सब ठीक हो जाएगा ना? राहुल। हाँ, सब ठीक हो जाएगा।
मैं ठीक लग रही हूँ ना? सीमा, तुम इन बीवी वाले कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। I mean, एकदम 100% प्योर इंडियन देसी घी से बनाई हुई बीवी। सच कह रहा हूँ। Not bad, huh? अरे बॉस, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। थोड़ा सा वो रायता देना प्लीज। रायता खाइए, कोफ्ता खाइए बॉस, सब माल आप ही का। तो आप लोग हनीमून के लिए कहाँ गए थे? हनीमून पे हम लोग गए थे, वो कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बॉस? यार हनीमून तो तुम दोनों का था, मुझे कैसे पता होगा? सब का हनीमून तो हमारा था। मैं तो बहुत जाना चाह रहा था शीला जी, लेकिन बॉस ने काम के लिए रोक लिया। ओह। और वैसे भी हनीमून पे जाके हम करते क्या? क्या? मेरा मतलब सीमा हनीमून पे अकेले जाकर करती क्या? नहीं सीमा? ओह। तो सीमा शादी के बाद मॉडलिंग छोड़ दोगी? मॉडलिंग तो मॉडलिंग क्यों छोड़ेगी, मॉडलिंग जारी रहेगी। है ना बॉस? हाँ हाँ, जारी रखेगी, मॉडलिंग क्यों छोड़ेगी? आफ्टर ऑल करियर इज करियर, यू सी। बॉस ने कह दिया, बस डिस्कशन खत्म। आप हाँ। कुछ लेती क्यों नहीं? अरे नहीं, इसमें तेल ज्यादा है, और वैसे भी हमें और एक पार्टी में जाना है, आजकल फिगर का ख्याल रखना पड़ता है ना। ओ कम ऑन डार्लिंग, थोड़ा सा ले लो ना, इसमें तेल कहाँ है? सिद्धार्थ, नो बॉस। शीला जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खूबसूरत औरतों को वैसे भी अपनी फिगर मेंटेन करनी चाहिए। थैंक यू। शीला जी वैसे आप मॉडलिंग क्यों नहीं करती हैं? तुम सिद्धार्थ से पूछ लो। बॉस को तो मॉडल्स बहुत पसंद है। अरे क्या हुआ बॉस? मैं मीठा लेकर आती हूँ। हाँ तुम मीठा लेकर आओ, मैं बॉस को पानी पिलाता हूँ। मीठा लेकर आओ, पानी पीछे पानी। एक्सक्यूज मी। नहीं दुल्हन है, मैं थोड़ा हेल्प करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी राहुल। बॉस घर में ही हूँ। राहुल क्या हुआ डार्लिंग, उनके आते ही चलते हैं। कम ऑन शीला, तुमने थोड़ा सा खा लिया होता तो क्या होता? ऊपर से तुमने ये भी कह दिया कि यहाँ से हम लोगों को किसी और पार्टी में जाना है। तुम्हें तो कहा था कि जल्दी निकलना है। सिद्धार्थ, आई थिंक यू आर इम्पॉसिबल। बस शीला बहुत हो गया, अब मुझसे झगड़ा मत करो तुम। मुझे लगता है झगड़ा कर रहे हैं। शीला शीला बैठ जाओ। शीला मेरी बात सुनो तुम। अरे आप लोग जा रहे हैं, थोड़ा मीठा तो खा के जाते ना। नहीं रहने दो, हम निकलते हैं। आई थिंक वी आर लेट नाउ। मैं पैक करवा देता हूँ। राहुल गुड नाइट। सीमा डार्लिंग, वो जो गिफ्ट इनके लिए लाए थे वो। अरे हाँ, ये आप लोगों के लिए हमारी तरफ से शादी का तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी? अरे हाँ, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, हमारा भी तो कोई हक बनता है। बनता है, जरूर बनता है बॉस। आप चले।